लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लीगली जो मेरे पे एक चार्जेस लगे थे, नीरज सर विल स्टार्ट विथ लीगली, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जो FIR लॉन्च की थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने, आप सबको मालूम होगा उसमें क्या क्या एलिगेशन थे, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 377 दैट इज अननेचुरल सेक्स विच वॉज सब्सिक्वेंटली एडेड बाई द पुलिस आफ्टर द FIR वॉज लॉन्च। और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे पे ही कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की थी, ये जानते हुए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है या कस्टडी की ज़रूरत नहीं है हमारे क्लाइंट की। उसके बाद इन लोग सेशंस कोर्ट में गए, रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, और दो दिन की पुलिस कस्टडी अकॉर्डिंग टू सेशंस ऑर्डर ऑफ द सेशंस कोर्ट दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है दो वीक में यहाँ से बेल ग्रांट कर दी थी ऑनरेबल कोर्ट ने, और उसके बाद फिर मैसूर पुलिस जो मैसूर में FIR लॉज हुई थी वो कनेक्शन में अपने क्लाइंट को लेके गई थी, उस मैटर में भी अभी बेल ग्रांट कर दी है कोर्ट ने। अभी मेरा क्लाइंट आप लोगों के सामने है, नाउ ही विल स्पीक फॉर द थिंग्स। अच्छा आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ, जो मेरा एक लास्ट वीडियो, एक लास्ट जो मेरा वीडियो बैठ था जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे दो दिन देना, आप लोग डू यू रिमेम्बर, मैंने कहा था लास्ट दो दिन देना, मैं आके सब कुछ सच सच बताऊँगा। तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वॉज फ्रेम इन दिस, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं एक नॉर्मल बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली 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 राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्जेशन्स होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। सो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो, जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं, तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी एक दो साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी कर लूँ। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं। तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी, तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप एक साल टाइम लो उसके बाद आप बताओ, जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उमरा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपके फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट, इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे वो ये, राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में शादी के बाद भी, आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा, और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था, डू यू रिमेम्बर, मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था, क्यों मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं, दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीज़ें हुए वो सब आपको तो पता है, मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों। लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज़ इन लंडन, अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था, मैं दुबई गया और राखी गई लंडन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंडन की से जब शी केम बैक टू दुबई,
आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी, मुझे ये चीज़ें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमिडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई, तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्जेशन की राखी बोल रही थी रितेश को, ये सॉरी रितेश राखी को बोल रहे थे कि इस ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताए ये मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन हैं, पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ, मैं फेस भी नहीं कर पाया। माई आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बींग अ हस्बैंड कि राखी क्या क्या है ये, वही दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से, जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था, और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी, और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल, तो मैं क्या प्रूफ करूँ, मैं क्या सोचूँ एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल, वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार, हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर, मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर, आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, दैट ये दिखाइए एवरीथिंग हाँ वो आपको मिल जाएगा, अभी एक रैंडम दिखा रहा हूँ। आई विल शेयर दिस, किसी को भी नहीं मिल रहा, आई विल ऑल्सो शेयर दिस। ये प्रॉपर नोटरी राखी शादीशुदा, शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट, तारीख इज 11/11/2019। ऑफ कोर्स नो, द वर्ल्ड आल्सो वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस नो। राखी बाहर आने के बाद, नहीं बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है, उन्होंने एक रील टू रियल कुछ इंटरव्यू आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो, उसमें साफ साफ कहा है राखी ने कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी। तो आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और आपने उसको लीगली या फिर किसी भी प्रकार से एविडेंस छानबीन नहीं किया? एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है, दूसरा जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल, ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था। वो कॉपी है आपके रजिस्ट्रार? ऑफ कोर्स है, मैरिज एप्लीकेशन नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था, और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। इफ यू टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, सो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती, और इनकी शादी एज पर मुस्लिम लॉ हुई है, तो एक तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है एंड देयर बाई टू प्ले अ फ्रॉड अपॉन माई क्लाइंट, सो वो केस को हम बाद में डील करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाना है उसके लिए। But
जस्ट फॉर अ फैक्ट, सॉरी ये फेर है राखी के, वीडियो में दे दूंगा, आप लोग बाद में देख लेना, जिस पर रेफरेंस हम सुन आया मैं ओन सोर्स, वो तो अभी मैं नहीं बता सकूंगा ना। देखो शादी, एक सेकेंड, शादी जब वो, मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है, आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ, जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है ये वेडिंग, बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूँगा कि मैं विटनेस निकाल लूँ, प्रूफ निकाल लूँ, वो मेरी, आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है ये सब और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब 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 कुछ। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहाँ